हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। वी मेड लीगल एट योर फिंगर टिप्स। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिपॉजिट मनी अबाउट 2.5 लाख। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट के ऊपर बैन लगा दिया है। तो अब इन जिन लोगों के पास में भी मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ कैश पड़ा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट, ये कैश कैसे डिपॉजिट करें, जबकि वो लोग जनरली जो है एक तरह से टैक्स पे करते हैं। तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा कि एक तरह से जिनके पास में कैश पड़ा हुआ है अबाउट द 2.5 लाख रुपीज़, और वो जनरली अगर टैक्स भी पे करते हैं तो वो अपने अकाउंट के अंदर एक तरह से कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जैसे एक तरह से इस न्यूज़ को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ भी है, लाइक जैसे 2000 रुपीज़ का जो नोट है उसके अंदर चिप है, एक्सेट्रा टाइप, मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद कन्फर्म किया है कि जिनके अकाउंट में भी 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक जो भी 2.5 लाख रुपीज़ के अबाव अगर कैश डिपॉजिट कराता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी, राइट, हर एक अकाउंट की डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उस जो इनकम है उसका सोर्स रखें। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि जो इनकम है वो आपकी कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब जो इनकम टैक्स आपको जो कैलकुलेट करना है उस पर्पज़ के लिए आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होने वाली है। तो इसके लिए मैंने एक तरह से सभी पर्सन को दो डिवाइड कैटेगरी के अंदर एक तरह से डिवाइड किया है। एक वो बंदे हैं जो सैलरी पर्सन हैं, जो कहीं पे जॉब करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, और एक वो है जो कि बिजनेस पर्सन है, राइट। तो आइए जानते हैं सैलरी पर्सन की जो इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो जो सैलरी जो मोस्टली जो पर्सन है उनको एक फॉर्म 16 मिलता है, जहाँ पे उनकी सैलरी की सारी की सारी डिटेल्स होती है, लाइक उनकी बेसिक सैलरी क्या, उनका CTC क्या है, क्या क्या उनका TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है, राइट। तो उनकी जो इनकम है वो क्या मानी जाएगी कि जो टोटल सैलरी है वो प्लस अगर वो कोई अदर इनकम भी अगर अर्न कर रहे हैं, लाइक कोई रेंटल इनकम हो गई या सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट हो गया या उसके अलावा भी कोई इनकम है, तो वो और माइनस उसमें से उनकी डिडक्शन ऐसे आती है। डिडक्शन मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ एग्जम्पशन देती है, जैसे लेट सपोज आपका कोई इंश्योरेंस है, राइट, या फिर कुछ अदर स्कीम्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो वो सब घटाने के बाद में जो भी आपका अमाउंट बचता है उसके ऊपर एक तरह से आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है, और वो आपकी इनकम मानी जाती है। मतलब आपकी जो सैलरी हुई, जो अदर इनकम हुई, उन सबको मिला के आपकी जो जनरली जो इनकम बन रही है एज पर द इनकम टैक्स, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब मैं अगर बिजनेस पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे बिजनेस पर्सन जो है वो दो टाइप से जो एक तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो ये मैं आपको एक सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर बता रहा हूँ। अगर एक तरह से हम लोग फॉर्म्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे एक ITR 4 लगता है और ITR 4S होता है, राइट। तो पहला जो तरीका है वो एक तरह से है टैक्स ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको जो है एक तरह से टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, जिनकी प्राइवेट लिमिट कंपनीज हैं उनके लिए एक तरह से अलग से कैलकुलेशंस होती है, राइट। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है कि आपकी जो भी बिजनेस की जो भी सेल्स है, राइट, माइनस ऑल दी बिजनेस एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो सेल्स माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस घटाने के बाद में आपके पास में जो भी अमाउंट बचता है वो आपका एक तरह से नेट प्रॉफिट कहलाता है, और उसके ऊपर आपको एक तरह से टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये हो गया एक तरीका। अगर मैं सेकेंड तरीके की बात करूँ तो वहाँ पे आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल्स है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, और गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि आपको मिनिमम 8% वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा अपने टर्नओवर का। अगर उसके आप नीचे दिखाते हैं तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक तरह से आपकी जो बुक्स ऑफ द अकाउंट्स है उसकी ऑडिट करवानी पड़ती है, राइट। तो ये आपने देखा कि एक तरह से इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कि जो सैलरी वाले बंदे हैं उनकी सैलरी इनकम हो गई प्लस अदर रेंटल वगैरह इनकम हो गई, और जो बिजनेस है उनकी दो तरीके से कैलकुलेशन हो गई कि एक हो गया नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेशन और एक हो गया आपकी सेल्स के ऊपर कैलकुलेशन, राइट। तो अब जान चुके हो कि आप इनकम जो है कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर अब मैं टैक्स की भी बात करूँ तो देखिए, टैक्स में जो है जैसे स्लैब बेसिस चलता है, रेट चलता है, जो इंडिविजुअली पर्सन्स के लिए होता है, लाइक 2.5 लाख रुपीज़ जो है वहाँ तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। इसलिए गवर्नमेंट ने एक तरह से लिमिट दे रखी है, क्योंकि इसके नीचे जो भी एक तरह से आप कैश डिपॉजिट कराओगे अपने अकाउंट के अंदर, तो ऑब्वियसली वो एक तरह से टैक्स फ्री रहता है, और उसके अभाव जो आप कराओगे वो एक तरह से स्लैब बेसिस में आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2.5 लाख से अगर 5 लाख पे हैं तो आपका 10% टैक्स लगता है, फिर 20 लगता है, फिर 30 लगता है, राइट।
तो ये एक तरह से रेस चलती है, करेक्ट। अब एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो भी नोटिफिकेशन निकाली है राइट, वहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि अभी आप जो है नवंबर से लेकर दिसंबर तक अगर अपने अकाउंट के अंदर अगर आप मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो एक तरह से आपको टैक्स जो है अगर इसके अंडर में रहता है तो आपको कोई भी नोटिस नहीं आता है, ना ही आपको कोई टैक्स वगैरह पे करने की ज़रूरत है। जो एक तरह से स्मॉल और जो बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है राइट, या फिर जो सैलरी वाले बंदे हैं जिनका जो सैलरी अमाउंट है बिलो द 2.5 लाख रुपीज़ है, लेकिन जैसे उसके अबाव जो है तो उन लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप 2.5 लाख रुपीज़ के ऊपर एक तरह से अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हैं, जो कैश जो है वो 500 या 1000 के नोट्स में होता है, तो क्या क्या सिचुएशन एक तरह से क्रिएट हो सकती है। तो पहली जो चीज़ है वो एक तरह से क्रिएट ए सेपरेट रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो भी अगर 2.5 लाख से अबाव जो भी कैश जमा कराएगा तो उसका ऑटोमेटिकली एक फिल्टर बना देगा, मतलब सारे के सारे अकाउंट जो एक तरह से सेपरेटली हो जाएंगे और वो जो सारी डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर की जाएगी। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक तरह से आपकी जो रिटर्न्स है उनके साथ में वेरीफाई कर सकता है, वो आपकी पास रिटर्न्स को चेक कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है उसका, और उनके साथ में वेरीफाई कर सकता है कि आपका ये जो सोर्स ऑफ द इनकम है वो जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है राइट। और लेट सपोज अगर आपकी रिटर्न जो है अगर मिसमैच होती है तो आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस नोटिस के अंदर एक तरह से आपको बताना पड़ता है कि आपकी सोर्स ऑफ द इनकम क्या है। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोर्स ऑफ द इनकम पूछा है, जहाँ पे आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है राइट। तो आगे मैं बताना चाहूँगा कि अब आपको करना क्या है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। जी हाँ, आपके पास में आप जो भी एक तरह से कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अबाउ तो 2.5 लाख रुपीज़, उसको आपको जो है प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स रखने हैं कि लेट सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्वॉइस रखने हैं, प्रॉपर वाउचर्स रखने हैं, और लेट सपोज कोई रेंटल इनकम है तो वहाँ पे रेंटल रिसिप्ट रखनी है, मतलब उसका जो भी इनकम का सोर्स है उसके आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड्स रखने हैं राइट। सेकेंड जो थिंग है वो फाइल योर ITR है। तो अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 जो फाइनेंशियल ईयर है उसको आपको प्रॉपरली तरीके से आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी, और उसके अंदर ये इनकम भी एक तरह से शो करनी पड़ेगी। इवन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स ने रिसेंटली एक तरह से उनकी वेबसाइट पर एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कीप पेशेंस। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो प्रॉपरली तरीके से टैक्स भी पे करते हैं लेकिन वो फिर भी परेशान हैं कि अगर उन लोगों ने 2.5 लाख से अबाव अगर कैश डिपॉजिट किया तो उनके पास में नोटिस आएगा और मे बी शायद उनका टैक्स पेनल्टी लग सकती है, जो कि 200% पेनल्टी है राइट। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अगर आपकी इनकम जनरली अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑन द बिलो ऑफ द वीडियो, और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.myonlinece.in, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@myonlinece.in। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।